तो देखिए, मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफी एक अपने आप ही एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, और जिन्हें अपने थॉट्स अपने माइंड में क्या है वो मल्टीपल पिक्चर्स से, मतलब एक ही फ्रेम में मल्टीपल एक्सपोजर लेके अगर वो दिखानी है तो बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन आपका ये हो सकता है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है, अगर आप प्री वेडिंग शूट्स कर रहे हैं, आप इन्विटेशंस बना रहे हैं, आप सेव दी डेट्स बना रहे हैं, या फिर आप क्रिएटिव फोटोग्राफी में रुचि रख रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये एक ऑप्शन है, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप मल्टीपल एक्सपोजर में अपने आप को एक्सपोज करें, राइट। और इसमें बेसिकली आप कैमरा में जाएंगे तो कैमरा में ऑलरेडी आपको मल्टीपल एक्सपोजर नाम का ऑप्शन मिलेगा, राइट। वो उसके बारे में मैं बेसिक जानकारी दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या है मल्टीपल एक्सपोजर, जो गूगल से ही इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। व्हाट इज मल्टीपल एक्सपोजर इन फोटोग्राफी? डबल एक्सपोजर फोटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट लेयर्स टू डिफरेंट एक्सपोजर्स ऑन अ सिंगल इमेज, राइट। एक ही इमेज होती है जिसमें सपोज अभी मैं आपके सामने हूँ और मैं यहाँ पर एक इमेज मेरा दिख रहा है, फिर एक यहाँ पर दिख रहा है, तो दो इमेज एक ही सिंगल इमेज पर, मतलब दो एक्सपोजर एक ही सिंगल इमेज पर दिखना मतलब डबल एक्सपोजर या मल्टी एक्सपोजर, राइट। कंबाइनिंग टू फोटोग्राफ्स इनटू वन, मतलब दो फोटोग्राफ्स को एक में लाना है, एक में क्लब करना है, तो उसको डबल एक्सपोजर कहेंगे हम लोग। और मल्टीपल में क्या होता है कि आप दो से भी ज्यादा फोटोज को भी वहां पे एक्सपोज को भी कर सकते हैं। ओके, आपके कैमरे में कितने ऑप्शंस दिए हैं, वहां पर कितना मल्टीपल फोटोज आप ले सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा क्वांटिटी रहेगा उतना आपको प्लानिंग करना होगा, क्योंकि सेकंड एक्सपोजर जो होता है वो कहाँ पर जाकर दिखने वाला है, ये प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। इमेज में कहाँ पर वो प्लेस होने वाला है, कहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से दिखेगा, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। अ सिमिलर टेक्निक कॉल्ड मल्टीपल एक्सपोजर, कई लोग इसको डबल एक्सपोजर नाम से जानते हैं। देखिए, मैं 98-99 के दौरान जब फोटोग्राफी करता था तब हम लोग FM10 कैमरा पर मल्टी एक्सपोज करते थे, मतलब दो उसको हम लोग डुप्लीकेट कहते थे, डुप्लीकेट फोटोज, मतलब जो जुड़वा मूवी था या फिर क्या सीता गीता ऐसे जो पिक्चर थे, राम श्याम, तो जो जो जुड़वा जुड़वा है, तो वो एक चाहत बनती थी कि भाई अपना ही अपने बाजू में और एक मैं ही खड़ा हूँ, मेरा एक क्लोज शॉट है और एक एक फुल शॉट है, तो कैसे दिखाओ। उस वक्त ये बात बहुत बड़ी थी, उस वक्त मतलब ये 2000 से पहले, 2000 से पहले, क्योंकि उस वक्त डिजिटल फोटोग्राफी नहीं था। उस वक्त निकॉन FM10 में ऑप्शन था कि जो फिल्म है वो जब हम लोग आगे फॉरवर्ड करते थे, मतलब एक शॉट होने के बाद आगे लेते थे उसको, तो वो आगे नहीं जाता था, तो उसके लिए किट मिलती थी और वो हम लोग आगे से लगाते थे, हुड जो रहता था उधर, कि वो हाफ ओपन एरिया मिलता था और वो एक बार लगा दे और उसको घुमा दे तो हाफ ओपन एरिया जो जिस जगह पे ब्लैक था उधर ओपन मिलता था, तो फिल्म वही के वही रुकती थी और हाफ पोर्शन एक्सपोज होता था पहले, बाद में जो हाफ पोर्शन नहीं हुआ है उस एरिया को ओपन करके दूसरा हाफ पोर्शन वहां पे ओपन होता था, और हम लोग वहां पे प्रॉपर प्लानिंग करते थे कि भाई ये तो प्रॉपर दिखना चाहिए, और कोई डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तब, कोई कंप्यूटर में फोटोज लेकर वो एडिट नहीं हो सकता था, जो आप क्लिक करोगे वो जब हमारा रोल जाता था लैब में, वो डेवलप प्रिंट होने के बाद पता चलता था कि भाई पैर कहाँ पे गया है, कहीं नाक पे तो नहीं घुस गया, कहीं फेस में तो नहीं आ गया, तो इसलिए ना उसकी एक मास्टरी होती थी, उसको पहले बहुत समझना पड़ता था। और आज तो इतना इजी हो गया है कि जब मैं मल्टीपल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ मेरे कैमरे में, तो फर्स्ट जो एक्सपोज होता है किया हुआ इमेज, वो सेकंड एक्सपोज के लिए वो एरिया दिखाता है कि भाई तुझे कहाँ पे प्लेस करना है, इतना ईजी हो गया है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हम लोग। अ सिमिलर टेक्निक कॉल्ड अ मल्टीपल एक्सपोजर इज व्हेन यू कंबाइन मोर देन टू एक्सपोजर्स इन सिंगल इमेज, एक ही इमेज में दो तीन चार पांच अगर एक्सपोजर आपको लेने हैं तो उसे मल्टीपल एक्सपोजर कहेंगे। जैसे कि आगे बढ़ता हूं मैं, जैसे कि ये है, अब एक्चुअली ये इमेज जो मेरा है, मैं मेरे मेरी जो आज तक तकनीक रही है उससे दिखाना पसंद करूंगा, जो मुझे बेसिकली पेन से ही मैं थोड़ा सा प्रॉपर बात कर पाता हूँ मेरे ड्राइंग से, तो ड्राइंग में शायद आपको भी पसंद आता रहेगा ये टेक्निक कि जब मैं पेन से ड्राइंग करूँ तो थोड़ा सा समझने में इजी हो जाता है, राइट। सो जस्ट मिनट, मेरा पेन टैब ऑन हो जाए एक बार, एक मिनट। आप में से कोई पेन टैब का यूज कर रहा है?
ओके जस्ट अ मिनट। ओके ओके मेरा पेंटैब का बैटरी डाउन है तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्शन ले लेता हूँ। ओके बढ़िया, तो डायरेक्ट मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है और जो भी चीजें बतानी है तो पे कर मत। ओके चलिए मैं आया हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये मेरा खुद का ही एक आई थिंक 2-3 साल पहले का एक पिक्चर है और मुझे बहुत पसंद है ये पिक्चर, क्योंकि मल्टीपल एक्सपोजर को आज मैं थोड़ा सा और एक अलग तरीके से क्या बताने वाला हूँ कि उसे सिर्फ हम लोग ये नहीं समझना है कि भाई मल्टीपल एक्सपोजर मतलब दो इमेज एक कर दी या फिर 3 इमेजेस को एक ही इमेज में ला दिया, 3 एक्सपोजर का वगैरह, वो नहीं करना है। तो हमें उसको क्या जानना है कि ये जो बेसिकली फेस के अंदर जो भी फॉर्म्स गए वो किस डायरेक्शन से जाने चाहिए, उसकी एंट्री कहाँ से करवानी है, या फिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअली मेरा ये सोच था इस पिक्चर में कि भाई नेचर को फील करना, मतलब नेचर को हम लोग किस तरीके से फील करते हैं वो अगर मुझे दिखाना है तो मैं इसका यूज कैसे करता हूँ वो बेसिकली दिखाया था मैंने, मेरी एक सोच रखी थी वहाँ पे। ओके तो ये मुझे हेल्पफुल रहा कि अगर मुझे कुछ दिखाना है मेरी सोच से, या फिर जो मेरे फोटोग्राफर थे, मेरे एक असिस्टेंट थे उस साथ मेरे साथ, तो उनको मैंने बोला था कि मैं नेचर को फील कर रहा हूँ तो ऐसा पोज मैं दे देता हूँ और फिर तुम ये जो ट्री है उसको देखिए। यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो ट्री जहाँ से एंटर हुआ वो बाद में मुझे थोड़ा सा सही पोजीशन नहीं लगा था, राइट। ये अगर थोड़ा सा यहाँ से नीचे कॉर्नर से अगर वो एंटर करता था तो शायद उसका एक फ्लो और बेहतरीन बनता था। उसी के अकॉर्डिंग एक और दिक्कत क्या थी कि ये ट्री के बाजू में जो भी विंडोज और वो जो एक पैटर्न था वो वहाँ पे आ गया तो थोड़ा मुझे अच्छा लग गया, ये आंखों के वहाँ पे वगैरह जो लाइंस आ गया तो अच्छा लगा। इसके लिए मैंने क्या प्रोसेस किया था, कैमरा में अगर आप जाएंगे, मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ पहले, कि कैमरा में वो ऑप्शन आपको मिलेगा कि जहाँ पर आप मल्टीपल एक्सपोजर किस तरीके से ले सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट। ओके देखिए कैमरा भी मैं तो निकॉन F-Z6 यूज़ कर रहा हूँ या फिर 850 यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम लोग मेनू में चले जाते तो मेनू में जाने के बाद हम लोग जो अपना फोटो शूटिंग मेनू होता है बेसिकली, फोटो शूटिंग मेनू में ये मल्टीपल एक्सपोजर नाम का ही ऑलरेडी ऑप्शन मिलता है हमें, मल्टीपल एक्सपोजर, राइट। और उसके अंदर अगर हम लोग जाए तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है जिसमें ऑन सीरीज कहा गया है, ऑन सिंगल फोटो कहा गया है या ऑफ कहा गया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, आप आपके पास कैनन भी है तो भी आप मल्टीपल एक्सपोजर नाम से ही देख सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जाननी है कि वहाँ पे ऑन सिंगल फोटो, ऑन सीरीज ये क्या रखना है आपको, मतलब सिंगल फोटो अगर आप करेंगे तो वो एक जब आप मल्टीपल एक्सपोजर का इमेज लेंगे मतलब उसके लिए 2 फोटो निकालनी पड़ेगी या 3, जो भी आप कितना एक्सपोजर लेना चाहते हैं। वो निकलने के बाद आपको फिर से मल्टीपल एक्सपोजर का ऑप्शन ऑन करना होगा, राइट। और अगर आप सीरीज रखते हैं वहां पे तो सीरीज में क्या करेगा, आप मल्टीपल एक्सपोजर के शॉट्स कई सारे ले सकते हैं, मतलब इमेजेस नंबर जो रहता है काउंट कितना करना है आपको वो पहले डिसाइड करना है। शायद मैं यहाँ पे दिखाते समय थोड़ी थोड़ा मुझे टफ जा सकता है, लेकिन मैं जितना हो सके यहाँ से दिखाऊंगा कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या है। मल्टीपल एक्सपोजर में मैं गया, नंबर ऑफ शॉट्स भी दिए गए वहाँ पर, नंबर ऑफ शॉट्स तो कितने लेने हैं आपको। देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ शॉट्स अगर लेने जाऊँ मैं 1 2 3 4 5 8 10 10 नंबर्स, मतलब 10 एक्सपोजर्स को हम लोग एक ही इमेज में ला सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इमेजेस आप एक्सपोजर आप करेंगे एक इमेज में उतना आपको ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर 10 एक्सपोजर को आपको लेना है तो आपको 10 गुना प्लानिंग भी अच्छा करना पड़ेगा कि आपको कौन से एरिया में क्या क्या लाना है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप ये कर सकते हैं, राइट। हम जो प्रोसेस दिखाते हैं कई बार अलग अलग जगह पे वो भी आप इससे कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार वो एक यहाँ पे खड़ा कर दो, एक यहाँ पे खड़ा कर दो, एक यहाँ पे, तो इससे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जानना है कि मल्टीपल एक्सपोजर कहाँ पे अप्लाई होता है, मल्टीपल एक्सपोजर का रिजल्ट कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मिलता है। सिर्फ ये ऑप्शंस ऑन करने से नहीं मिलता है,
राइट, उसको पहले एक मेन प्रोसेस समझनी है हमें। तो ये मैंने सपोज दो इमेजेस कर दी और ओवरले मोड मैंने क्या किया है, एवरेज रखा है, एड है, एवरेज है, लाइटन है, डार्कन है, सब कुछ है। मतलब किस तरीके से आपको ओवरले करना है वो भी आपको दिया गया है अभी। ये इतना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, इसका डिटेल हम लोग करेंगे। और इसको अगर मैं ये सीरीज कर दूं तो सीरीज में क्या करेगा, मैं एक इमेज बनाने के बाद तुरंत दूसरा इमेज भी बनाने के लिए ले सकता हूँ। अगर सिंगल फोटो करूँ तो एक इमेज बनाने के बाद मुझे दूसरा इमेज बनाने के लिए फिर से ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। और जब आपका काम हो जाता है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपका मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफी का काम हो जाता है तो उसको ऑफ करना मत भूलिए। अगर आप ये ऑप्शन ऑफ नहीं करते हैं तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है कि आपका मल्टीपल एक्सपोजर का ऑप्शन शुरू ही रहेगा और उससे दिक्कत आएगी कि आप जब कोई इंपॉर्टेंट फोटोज कहीं पे लेने जाएंगे और फर्स्ट क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल एक्सपोजर में काम करेगा, मतलब वो सेकंड पिक्चर की मांग करेगा। तो सेकंड जब करोगे आप, या जितना नंबर दिया आपने उतने इमेजेस आपको क्लिक करने पर, मतलब वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, राइट, ब्लैक एरिया में वो मर्ज हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली वहां पे दिखाता है सिंबल, दो इमेजेस ऐसे एक हो रहे ऐसा वहां पे एक सिंबल दिखाता है। वो सब मैं नेक्स्ट सेशन में टेक्निकली बताऊंगा किस तरीके से। लेकिन ये कई बार होता है कि हम लोग शूट करते करते भूल जाते हैं कि भाई ऑप्शन ऑफ करना है हमें, ऑप्शन ऑफ करना नहीं भूलना है हमें, राइट। और बेसिकली इसमें अब मेन प्रोसेस हम लोग समझते हैं कि जैसे मैंने मेरा पिक्चर दिखाया था और उसको मैं 1 मिनट, ओके, जैसे ये पिक्चर मैंने दिखाया, तो इसमें मैंने कहा कि ये जो मेरा फेस दिख रहा है और उसके बाद में वो एक ट्री उसके अंदर मर्ज हुआ है, राइट। सो इसमें इसमें मेन मेन चीज क्या हो रही है कि ये जो ट्री कहाँ पे मर्ज हुआ है या कहाँ पे दिख रहा है, ओवरलैप का ओवरले कहाँ पे हुआ है, वो जहाँ पे ब्लैक एरिया था, ब्लैक एरिया था। मतलब सिलआउट इमेज पहले आपको लेनी पड़ेगी, और सिलआउट इमेज में या फिर ऐसे अगर साइड मतलब प्रोफाइल शॉट अगर ले रहे हैं और वहां पे जैसे मेरे गाल के यहाँ पर लाइट है एक्चुअली, राइट, तो वहां पे वो उतना प्रॉपर नहीं हुआ है। जितना ब्लैक रहेगा इमेज, जितना ब्लैक आउटलाइन रहेगा, ब्लैक एरिया रहेगा, उस ब्लैक एरिया पर वो दूसरा एक्सपोजर छप जाता है, ओके, ब्लैक एरिया पर ही छपता है, जहाँ पे व्हाइट है वहां पर नहीं छपता है, ब्लैक पे छपता है या फिर ग्रे पे थोड़ा सा 50%, मतलब जितना ग्रे है उतने तरीके से वो छपता है। एक मजेदार बात यह है इसमें कि इसको तुरंत हो जाता है, ये आप फर्स्ट इमेज ले उसका उसका हाफ मतलब कम ऑपेसिटी में आपको उसका इंप्रेशन मिलेगा, वो आप कहाँ पे सेट करना है वो सेट कर सकते हैं, और फिर दूसरा जो आपको एक्सपोजर लेना है वो कौन से प्लेस पे लेना है ये हमें तुरंत समझता है, पहले नहीं होता था। आपका कैमरे में इतनी फैसिलिटी दी गई है तो आपको पहले प्लानिंग करना है कि भाई मुझे किस तरीके का शॉट लेना है। जैसे अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी में इसका यूज करना है तो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे ब्राइड बहुत स्माइल कर रहे हैं बहुत खूबसूरती से, और जैसे यहाँ पे ट्री के जगह पे ब्राइड का अगर फेस वहां पे रख दिया जाए, ग्रूम का फेस रख दिया जाए, तो आपका सेव द डेट डायरेक्ट बन जाता है। और जैसे हम लोग स्टोरी कहते ना कि वो दो मतलब दो दिल एक हो रहे, तो उसके जैसे आप कॉन्सेप्ट बना सकते, दो जान एक होने वाली, राइट। तो ब्लैक ब्लैक जो सिलआउट इमेज होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ब्राइट मतलब सब्जेक्ट के पीछे बहुत ब्राइट बैकग्राउंड चाहिए, लाइट चाहिए, मतलब वाइट होना चाहिए, राइट। जैसे आप ओपन स्काई में भी कर सकते हैं, ओपन स्काई में सिलआउट पिक्चर लीजिए और उसमें जो भी आपका डिजाइन मिलेगा, जो भी शेप मिलेगा, उसके अंदर आप सेकंड एक्सपोजर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हम अगर हम लोग समझे तो शैडो पार्ट जो आता है ना, जितना शैडो पार्ट में ये तुरंत वहां पे हमें प्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि आपके बाल सफेद कैसे आए, देखिए सर बाल सफेद नहीं आए हैं, वो वहां पे पूरा ब्लैक था, वो स्काई है, स्काई यहाँ पे एक यहाँ पे मेरे तो बाल ही नहीं है, राइट, तो बाल के जगह पे तो वो ट्री का मैंने शेप्स लिए, ट्री का पिक्चर, और वो स्काई है एक्चुअली, वो सफेद नहीं हुआ है। यही मजा है कि वो पिक्चर हम लोग किस तरीके से उसको समझ के ले, राइट। जैसे आईब्रोज के बारे में आपने कहा, तो ये पिक्चर आपको अभी थोड़ा दिख रहा है, वहां पे आईब्रोज में भी वो इम्प्रेशन छपा हुआ है मेरे, राइट। तो ये और जो जितना ग्रे पार्ट था, मतलब ये मेरा गाल पे वगैरह ग्रे पार्ट था, तो ग्रे में वो बहुत प्रॉपर ये नहीं है, लेकिन जितना ब्लैक रहेगा एरिया उतने ब्लैक में वो एज इट इज छप जाएगा, ओके। आगे के कुछ पिक्चर से भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो
काम करता है। ओके, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मैं आगे का इमेज दिखाऊंगा, उसमें मल्टीपल एक्सपोजर नहीं है, लेकिन इससे समझेंगे हम लोग कि ये जो ब्राइड ब्राइड का जो फेस दिख रहा है ना हमें, उसमें ही वो छपेगा या फिर वो बाकी बैकग्राउंड जो है ब्लैक उस पर भी छप सकता है। तो ये इमेज को अगर फोटोशॉप में अगर हमें करना है मल्टीपल एक्सपोजर, तो बहुत हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आउटलाइन मिली है हमें और वहाँ पे दूसरे पार्ट को हमें बताना है। वो मैं एक एक आपको फोटोशॉप में भी उसका बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं आगे के सेशन में। लेकिन इसमें ये जानना है कि ये जो ब्राइडल जो अभी यहाँ पे जितना भी आउटलाइन मिला है हमें, तो ब्राइडल आउटलाइन पे क्या करना है आपको कि उसे ये एरिया में आपको मतलब सेकंड एक्सपोजर सेट करना है। और आप अगर आप 3 एक्सपोजर सेट कर रहे हैं इस इमेज में, तो आप ये जो बैकग्राउंड है ना वहां पे अगर कुछ पैटर्न अगर डालते हैं, तो 3 मल्टीपल मतलब 3 एक्सपोजर का मल्टीपल एक्सपोजर इमेज बना सकते हैं आप, और एक ही इमेज में। मतलब ये क्रिएटिविटी वाला काम है थोड़ा सा, लेकिन उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको बाद में ये फोटो बनाने के लिए फोटोशॉप में टाइम नहीं देना है। इसमें आपकी सोच बहुत स्ट्रांग बन जाती है, आपका विजुअलाइजेशन जो इमेजिनेशन जो है ना वो बहुत पावरफुल हो जाता है, और आपका खुद का आइडेंटिटी बन जाता है एक कि भाई इनके कुछ इस टाइप के इमेजेस रहते हैं। सेकेंड थिंग कि आप तुरंत वहां पे अगर कपल को ये प्रेजेंट कर दे, तो ये एक अलग इंप्रेशन भी बन जाता है, कपल बहुत देख के खुश होता है, क्या किया आपने, तो उनको उनको बहुत और खुशी मिलती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है आप पर कि यार ये तो एक अलग तरीके से फोटोग्राफी कर रहा है, बहुत खूबसूरती से कर रहा है, राइट। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर को मैंने एक्चुअली मल्टीपल एक्सपोजर में किया था। सॉरी, जस्ट ए मिनट, मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट ए मिनट, मैंने हाइड कर दिया गलती से। तो हमें क्या करना है, सील आउट पिक्चर लेना है, और सील आउट पिक्चर में हम कर सकते हैं मल्टीपल एक्सपोजर, मतलब जो ब्लैक एरिया है वहीं पे हम लोग इंप्रेशन दे सकते हैं, सेकंड एक्सपोजर दे सकते हैं, राइट। ओके ओके, कुछ हमारे दोस्त और भी जुड़े हैं यहाँ पर, उनको भी वेलकम करेंगे, पहले इन पिक्चर्स के बारे में एक एक जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेते हैं अभी। ओके, तो देखिए ये पिक्चर जो है बेसिकली इसमें क्या किया गया है कि कपल का जो बैकग्राउंड में, मतलब जो बड़े साइज में जो एक हाफ सिलआउट आप देखेंगे, राइट। हाफ सिलआउट मतलब क्या कि उसमें कंप्लीट ब्लैक नहीं है, राइट। वो 50% मतलब वहाँ पे एक्सपोजर है कि जहाँ पे कंप्लीट ब्लैक करने के बजाय थोड़ा सा उसको ग्रे टोन में हम लोगों ने सेट किया है, और पीछे देखेंगे तो स्काई है, वाइट मतलब व्हाइट एरिया चाहिए हमें, और यहाँ पे जो माउंटेन है पहाड़ है वहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ये जो कपल को जो मैंने सेट किया है दूसरा इमेज में, जो जहाँ पे वो क्लियर दिख रहे, वो सिर्फ उतने ही एरिया में सेट किए जहाँ पर आउटलाइन मिल रही थी मुझे कपल की, मतलब सील आउट पिक्चर में, और उनका जो एरिया था जहाँ पे उनका हेड टच हो रहा है, तो हेड के नीचे मुझे बड़ा एरिया मिला था कि ये दोनों वहां पे प्रॉपर दिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया, इसको और भी नेक्स्ट लेवल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आज तो हमें सिर्फ बेसिक देखना है। अगर मैं तुरंत बहुत क्रिएटिव पिक्चर दिखाता था, तो शायद आज जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मल्टीपल एक्सपोजर यूज ही नहीं किया, तो वो तो परेशान हो जाते थे, राइट। तो आज उन्हें सबको यूज करना है कि भाई आप जितने मुझे फोटोज आप व्हाट्सएप पे देखो भेजेंगे ना, उतना मजा आएगा कि उतना मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा कि देखिए इतने हमारे दोस्तों ने मल्टीपल एक्सपोजर का ट्राई किया है, जो कि आप आपके घर पे ही कर सकते हैं, राइट। अगर विंडो से लाइट आ रहा है, बहुत हाई हार्श लाइट आ रहा है, तो आप विंडो में ही आपका सब्जेक्ट खड़ा कर दीजिए, और आप पहले पोजिशन उनका फाइनल कीजिए कि किस तरीके से जो आउटलाइन है वो चाहिए आपको, और स्टोरी बना लीजिए कि भाई अगर मेरे मेरे दिमाग में मैं नेचर में था, नेचर का महत्व बताने के लिए मैंने वो पिक्चर लिया कि हम अपने अंदर ही नेचर है पूरा, तो अपने सोच में नेचर होना जरूरी है, नेचर का ख्याल करना हम लोगों ने जरूरी है, तो वो पिक्चर बना। जैसे इन्होंने क्या है कि ये दोनों एक हो रहे, तो पहले वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, बाद में वो एक दूसरे के नजदीक आ गए, क्लोज आ गए, तो ये मजा दिखाना था उसमें, राइट। क्योंकि क्या है कि वो सेव द डेट के लिए हम लोगों ने ये पिक्चर यूज किया था, तब यहाँ पे दिया था कि सेव द डेट, और फर्स्ट पिक्चर था सिर्फ सिल आउट, सेकंड क्योंकि इसका इमेजेस भी अलग अलग मिलता है आपको, फर्स्ट सिल आउट भी मिलेगा, सेकंड जो उनका कपल का पिक्चर क्या है वो भी मिलेगा, और थर्ड में कैमरा ऑटोमेटिक प्रोसेस करके हमें जो इस तरीके से मल्टीपल एक्सपोजर वाली इमेज बना के देता है वो भी मिलती है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि मुझे 3 इमेज मिली। तो हम लोगों ने क्या किया था कि फर्स्ट इमेज जो दी थी वो सिल आउट वाली दी थी सेव द डेट, और डायरेक्ट थर्ड इमेज दिखाई थी कि जो ये वाली कि जहाँ पे वेडिंग डेट और वो सब किया था कि किसका है सेव द डेट ये,
राइट। तो क्रिएटिविटी अपने माइंड में क्या चलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन उसकी प्रोसेस हम लोग टेक्निकली, और मैं बताऊंगा आगे के सेशन में कि कहाँ पे क्या करना है। सिल आउट लेना इतना ध्यान में रखिए, सिल आउट में ही वो ब्लैक एरिया में ही सेकंड एक्सपोजर मिलेगा, थर्ड एक्सपोजर मिलेगा। ये पिक्चर मैंने जस्ट 5 मिनट्स पहले ली है, मतलब जो सेशन शुरू करने से पहले मैं फटाफट लाइट वेट लगाई थी, तो मैंने सोचा कि एक अभी तुरंत मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या किया, जल्दबाजी में मैं कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ शेप्स मिले तो मुझे बहुत मजा आया। अब मजा आया मतलब क्या कि ये जो रिंग लाइट है मेरे पास, ये रिंग लाइट के शेप्स उसके जो आउटलाइन मिली तो मैंने वैसी रख दी, राइट। और मेरा बेटा ही है जैत्रा, तो उसकी इमेज है, तो उसमें क्या क्या है कि ये जो आउटलाइन उसकी मिली, तो देखिए ये पिक्चर मैंने इसलिए ओपन करके रखी है, मैं एक मिनट उसको फोटोशॉप में लेता हूँ, मुझे ड्राइंग वही से कर सकता हूँ मैं, एक ही मिनट, ताकि मैं ड्राइंग करके बताऊँ कि क्या होता है कई बार। और ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये अगर मिस्टेक अगर हम लोग कर दें तो इतना ईजी प्रोसेस है, इतना ईजी है ये, लेकिन फिर भी हमसे रह जाता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, राइट। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, इमेजेस एक एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है। बहुत ईजी है मल्टीपल एक्सपोजर, लेकिन क्रिएटिव मल्टीपल एक्सपोजर में सोच सबसे बड़ी चाहिए। ओके जस्ट मिनट, मैं फोटोशॉप में दिखाता हूँ आपको। ओके अभी आप फोटोशॉप में देख पा रहे हैं इस इमेज को, और मुझे जो आपको बताना है वो मैं पहले बताऊंगा, जस्ट मिनट, एक ही मिनट, जस्ट वेट 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 वेट। ओके चलिए मेरा ब्रश रेडी है अभी। ओके तो यहाँ पे देखिए कि अभी क्या हुआ है, बेसिकली ये मैंने जो जब पिक्चर लिया तो मुझे ये पिक्चर इसलिए दिखाने के लिए रखा मैंने कि ये जो लाइट है मेरी, अगर आप ड्राइंग देख पा रहे तो ये लाइट और ये सब्जेक्ट देखिए पीछे जो है वो, अब ये पीछे से लाइट है, ये बैक साइड में लाइट है, राइट। और ये मेरा सब्जेक्ट है जिसका ये आउटलाइन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर। तो ये क्या किया है मैंने, जो मेरा सब्जेक्ट है जैत्र है, जैत्र के पीछे ये रिंग लाइट रख दिया इसे, और उसकी जो लाइट थी वो यहाँ पे देखिए एज लाइट क्रिएट हुआ है, और इसमें ये पूरा ऐसा सिलआउट बना था उसका, ऐसा सिलआउट बना था। अब उस सिलआउट में मैंने क्या किया, ये जैसे लाइट के ऑपोजिशन ऑपोजिट साइड से मैंने लिया था पिक्चर, तो दूसरा मैंने पिक्चर क्या किया, मैं लाइट के एक साइड डायरेक्शन से गया, देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड एक्सपोजर जो लिया है मैंने ये वाला, तो ये साइड लाइटिंग मैंने किया, और उसको बस एक फास्ट में मतलब वो आपको दिखाना था अभी तुरंत, तो इसमें मैंने ये लाइट डायरेक्शन के लिए ये इमेज जानबूझ के रखी कि ये लाइट जो आपको दिख रही है उसी लाइट को मैंने इधर लाइटिंग किया, और दो इमेज एक साथ आ गई। अगर मैं बहुत शार्प तरीके से इसको करूं तो ये सब मैं निकाल भी सकता था, लेकिन उससे क्या है कि मुझे अच्छा लगा कि इससे भी एक डिजाइन क्रिएट हो रहा है, मतलब ये रिंग लाइट से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रिंग लाइट का बहुत अमेजिंग यूज कर सकते हैं, तो इससे ऑलरेडी ये जो यहाँ से ये जो डिजाइन पैटर्न बन गया ये मुझे बहुत पसंद आ गया, राइट। जैसे ये है, ये एरिया को और थोड़ा सा हम लोग अंडर एक्सपोज कर सकते हैं, राइट, पूरा ब्लैक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फिर ये ब्लैक करने जाए तो ये अंडर एक्सपोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मास्किंग भी कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ क्रिएटिवली टाइटल वगैरह ऐड करने के लिए, सेव द डेट ऐड करने के लिए, जैसे मैंने कपल का अगर कर दिया ऐसा सेव द डेट, और यहाँ पे सपोज मैंने ये कर दिया कि भाई आज क्या है, आज है 18/05/21, राइट। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट इससे आ सकती है कि जैसे ये ब्राइड दिखाई या फिर ग्रूम दिखाया, ये एक ब्राइड या ग्रूम दिखाया, तो ये बहुत एक्साइटमेंट है इसलिए इनका जो एक्सप्रेशन है, मूड है, वाओ फील कर रहे हैं या एक्साइटेड है वो ज्यादा, वैसा दिखा रहे, तो हम कई सारी कॉन्सेप्ट इससे बना सकते हैं, और उससे हम लोग अपने आप को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 10 पिक्चर तक हम लोग एक्सपोजर ले सकते हैं, राइट। सो होप सो कि आपको समझते रहेगा ये जो भाई मैं बता रहा हूँ, और बेसिक आज बताना जरूरी है इसलिए मैं बेसिक तरीके से ही उसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इमेज एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आउटलाइन स्क्रीन पर मिलता है क्या, यस 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 आउटलाइन स्क्रीन पर मिलता है, वर्धमान सर ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, ये आउटलाइन स्क्रीन पर मिलता है, उसका जो इंप्रेशन रहता है ना, छाप रहती है ना, वो दिखते रहती है हमें, इसलिए हम दूसरा से जब सेट करेंगे पिक्चर ना, तो वो सेट करते समय बहुत ईजीली हमें बेनिफिट मिलता है उससे। ओके तो डेफिनेटली ये दिखता है, आप एक बार आज ट्राई कीजिए, और मैं हो सके तो कल परसों में फटाफट हम लोग उसके नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे टेक्निकली, कि
कि कितने अलग अलग एक्सपोजर में क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, वो भी मैं टेक्निकली भी दिखाऊंगा। पहले आप आज प्रयास कीजिए ताकि मैं वो दिखाते समय, मतलब वो जब लेता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन, तब तक आपको इसका बेसिक पूरा पता रहेगा, फिर मैं आपकी क्रिएटिविटी के साथ काम करूँगा। और आप मुझे ये सब एक्चुअली जितना भी पिक्चर्स आप करेंगे ना, तो उसमें से जो पिक्चर्स आपको मुझे शेयर करनी है मेरे व्हाट्सएप पे, देखिए यहाँ पे मैं व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिए ताकि मैं उस सेशन में वो दिखा पाऊँ। और मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे, ये भी एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे, तो मुझे बहुत मजा आएगा कि आप सीरियस है उसमें, राइट। ये शुभम, एक मिनट, शुभारंभ फोटो है, फोटोशॉप मध्ये मल्टीपल ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन आहे, त्यातून मल्टीपल एक्सपोजर लक्षात यायला काही मदत होईल का, त्याचा आणि याचा काय संबंध आहे? ओके, शुभारंभ फोटोज फोटोशॉप में क्या कर सकते हैं ना, बेसिकली उसके ऊपर एक सेशन ही करेंगे, क्योंकि उसके ऑप्शंस क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। मैंने खुद ने भी कुछ सेशन देखे, तो उसमें हर कोई आर्टिस्ट थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उसको कर रहा है। मतलब मेरा एक प्रोसेस हो सकता है कि मैं इसका आउटपुट आउटपुट लेने के लिए मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस का क्या, कि जैसे मल्टीपल को यूज करूँ क्या मैं, राइट, या फिर मैं और कोई ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ क्या, या ब्लैक में मुझे दूसरा कुछ इंप्रेशन देना है। कुछ कुछ लोग 4, 5 या 10 लेयर पर भी काम कर कर वो इफेक्ट्स ला रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी एक सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच जो आपने रिस्पॉन्स किया। अब क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक आगे का जो कुछ पिक्चर्स मुझे दिखानी है वो पहले देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अगर ये आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा और मजा आएगा, एनर्जी मिलेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है। और बेसिक लेवल है आज, मैंने इसलिए स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया। देखिए ये एक गलती होती है हमसे कई बार, मैंने देखा ये गलती, मतलब क्या कि भाई बेसिकली होता क्या है कि हम लोग एक मल्टीपल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, और वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हम सोचते नहीं है, सोचते नहीं है, हम लोग क्या कर देते हैं कि नहीं यार मुझे करना है, और मैं बस, तो बैकग्राउंड नहीं सोचते पहले कि बैकग्राउंड में जो भी रखा है वो बराबर सही जाएगा या नहीं जाएगा। तो उससे क्या हो गया, एक तो एक्सपोजर परफेक्ट सेट नहीं किया, मतलब जो सिल आउट चाहिए, जो पीछे जो उनका ही जैत्रा का जो इमेज है पीछे वाला, वो ऑलरेडी ग्रे टोन में आ गया है, या उतना प्रॉपर था, क्योंकि ये अभी क्लाउडी एनवायरनमेंट है, प्रॉपर हार्श लाइट नहीं था, फिर सोचा नहीं कि बैकग्राउंड में इतना सब कुछ आएगा, या फिर जो जो इमेज हमें ऊपर से रखनी है, सेकंड एक्सपोजर रखना है, उसके बारे में सोचा नहीं कि यार ये इसमें मैंने कैसे रख, तो कान यहाँ पे आ गया। ये दिक्कत है आपको स्टार्ट में आने वाली है, और उसके लिए क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि नहीं यार ये मेरा थोड़ा हो गया, मैं थोड़ा सा साइड चेक करके देखता हूँ कि अभी अभी मैं थोड़ा अलग जगह पे जाके देखता हूँ, और व्हाइट बैकग्राउंड लेकर देखता हूँ, ताकि व्हाइट आएगा तो उसके ऊपर छपेगा ही नहीं, लेकिन ग्रे आएगा, मतलब व्हाइट के नीचे नीचे जितना ग्रे स्केल में आप आओगे ना, उतना उतना बाकी सेकंड एक्सपोजर भी वहां पे छपने वाला है। तो ये ध्यान में रखना है कि क्लियर व्हाइट रहेगा तो वहां पे कुछ नहीं छपेगा, और थोड़ा सा भी ग्रे हो गया और ब्लैक की तरफ आएगा तो सब कुछ जो बाकी दूसरे इमेज में वो सब छपेगा, राइट। तो ये उसमें का मेन ट्रिक है। अब देखिए मैंने ये इमेज दिखाई, ये कोई मल्टीपल एक्सपोजर वाली इमेज नहीं है, लेकिन मुझे इस पर क्वेश्चन किए गए थे, इसलिए मैंने जानबूझ के एक इमेज ओपन की कि ये फोटोशॉप में किया हुआ है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है अभी, क्योंकि मैंने क्या किया था, जब ये पिक्चर्स लिए थे ब्राइडल पोर्ट्रेट्स गेटिंग रेडी सेशन में, तो तभी मैंने एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि उनके एक एक पिक्चर ऐसे लिया था, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, 3 से 4 पिक्चर लेके रखे थे, राइट। तो उसमें से 2 पिक्चर मैंने उठाए, और ये जो लाइट लाइट था, रिंग लाइट था, जो इस एंगल से था ब्राइड के इस एंगल से, इसलिए डायमेंशन मिल गया मुझे। और उनको मुझे क्या करना था, कंप्लीट प्रोफाइल शॉट, और उसके बाद में टिक 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 करके 2-3 शॉट में वो लगभग मुझे फ्रंट शॉट यूज करना था। अब मैं उतना एडिट नहीं कर पाया बाद में, क्योंकि उसके लिए जो एडिटिंग करते समय बहुत प्रॉपर तरीके से करना पड़ रहा था कि वो आर्टिफिशियल ना लगे, मज़ा ना चला जाए, राइट। और फिर मैंने थोड़ा सा टिल्ट शिफ्ट का भी यूज किया था, जो हम लोग बेसिकली ब्लरिंग में करते हैं, राइट। सो इससे वो मजा आ गया मुझे कि ये इमेज जो है वो मल्टीपल एक्सपोजर के जैसा थोड़ा प्रेजेंट हुआ। तो ये भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। और ये एक इमेज था कि जिसको भी फोटोशॉप में किया गया, और उसको बस 2 इमेजेस को ऐड कर दिया, और उसको थोड़ा ऐसा फील किया कि
उसके अंदर से जो भी लाइट जा रही है उनके फोरहेड पर, वो लाइट यहाँ पर बेसिकली एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। तो ये जो पिक्चर्स है ना, ये कोई कैमरा से मल्टीपल एक्सपोजर नहीं किए, बाद में फोटोशॉप में उसके साथ ट्राई किया गया है और उससे वो मजा लाया है। ओके, सो मल्टीपल एक्सपोजर में जितना आज इम्पोर्टेंट था मेरे लिए वो यही था कि हम पहले मल्टीपल एक्सपोजर इस वर्ड को समझे कि एक से ज्यादा एक्सपोजर जिसमें होते वो हो गया मल्टीपल एक्सपोजर, राइट? मतलब दो दो एक्सपोजर, तीन एक्सपोजर, चार एक्सपोजर आप एक ही इमेज में ले, वो हो गया मल्टीपल एक्सपोजर। ओके, वो किस तरीके से ले, तो वो ब्लैक एरिया में छपेगा, ब्लैक ग्रे से ब्लैक तक जितना एरिया मिलेगा हमें वहां पे सेकंड एक्सपोजर, थर्ड एक्सपोजर, फोर्थ एक्सपोजर छपेगा। अगर 10 एक्सपोजर हमें करने हैं तो 10 बार सोचना होगा कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या लेना है, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा आगे, और पहले इमेजेस क्रिएट करूंगा सही तरीके से। वो इमेजेस क्रिएट करते समय मैं उसका सब शॉट्स दिखाऊंगा, मतलब बेसिक क्या हुआ था, उसके बाद सेकंड शॉट में क्या आया और थर्ड शॉट में क्या आया, और फिर जो फाइनल शॉट है कैसे बना। तो अगर आपको ऐसे सेशंस में इंटरेस्ट आता है तो बस मुझे यस कर दीजिए, ताकि मैं आगे का सेशन लाते समय और प्लानिंग करके लाऊं। अगर आप चाहते हैं कि इसके और सेशंस बने डीप में, तो आप मुझे बस यस करके टाइप कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वहाँ पे लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और एनर्जी मिलेगी। और देखिए, कई सारे फार्मूलाज है, कई सारे फंड है, कैमरा को अगर हम लोग अच्छे से देखने जाए तो जैसे मिरर का मैं एक सेशन लाने वाला हूँ कि मिरर के यूज कैसे करें, डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स का यूज अगर अपने पिक्चर में करें तो उससे बहुत क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, राइट? क्लास तो नहीं है जो शिंदे सर कह रहे हैं कि सर जी कल आपका क्लास है क्या? क्लास नहीं है, क्लास नहीं, अभी जो जो भी फ्री सेशन चल रही है, और एक 22 मई को मेरा सेशन होने जा रहा है पोजिंग पर, राइट? और वो मेरा जो फेसबुक है एक्चुअली उस पर मैंने सब लिंक्स शेयर की है, या फिर आप मुझे जिनको भी इंटरेस्ट है तो बस प्लीज प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर, मैंने नीचे नंबर शेयर कर दिया है उस पर व्हाट्सअप कीजिए आप, क्या आप किस में इंटरेस्टेड है, या फिर आप अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आना चाहते तो आप वो भी मुझे पिंग कर सकते हैं कि प्लीज ऐड मी इन योर व्हाट्सअप ग्रुप, ताकि वहां पर जो भी नए नए सेशंस में ला रहा हूँ वो एक्टिविटीज चलती है। और जैसे 5,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे उस दिन मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करूंगा, उस 5,000 सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ गिफ्ट देना है, उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट करूंगा मैं, और वो अनाउंसमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और उसी के साथ मैं कुछ सीरीज लेके आ रहा हूँ, डिफरेंट सेशंस लेके आ रहा हूँ, उससे जुड़ने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके कुछ दोस्त रहेंगे फोटोग्राफी ग्रुप रहेंगे तो उसमें भी ये चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि जो एक्टिविटी चलेगी डेली एक्टिविटी करने वाले हम लोग कई अलग तरीके से प्लानिंग्स उसके कर रहे हैं, और उसी के साथ जो ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है उसमें जरूर आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे दीपक वाघेला सर का बहुत अच्छे सेशन चल रहे हैं, के गणेश एकेडमी गणेश सर के बहुत अच्छे सेशन चल रहे हैं, रोशन सर के सेशन चल रहे हैं, समरेश सर के चल रहे हैं, शिंदे सर के चल रहे हैं, पराग शिंदे सर के, और बाकी भी बहुत कुछ सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं जितने मुझे पता है। आप हर सेशन को एंजॉय कीजिए, नॉलेज लीजिए, और ज़्यादातर कैमरा साथ में रखिए। कैमरा में अगर हम लोग थोड़ा सेटिंग में जाएंगे ना, कैमरा को समझेंगे तो और मज़ा आएगा, राइट? कैमरा अगर हम लोग चाहते हैं कि कैमरा थोड़ा सा प्रॉपर समझे। अब देखिए, मैं खुद लेंस जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरा 850 मतलब DSLR का लेंस है, उसको मैंने यहाँ पर बेसिकली अडाप्टर यूज़ किया है, और ये Z6 का बॉडी है, तो इस बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेंस बहुत बड़ा लग रहा है अभी, राइट? तो ये Z6 को मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। और बेसिकली हमें क्या करना है कि इसके ये जो मेनू है, बेसिकली जितना आप मेनू में जाओगे, यहाँ से मेनू है, इस मेनू में जितने भी ऑप्शंस दिए ना, उन ऑप्शंस को जानना है, राइट? उन ऑप्शंस को समझना है। तो ये समझने के लिए मेरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे के सेशन में, कि ये ऑप्शंस को हम लोग कैसे जान सकते हैं। फिर हम लोग पोर्ट्रेट लाइटिंग पर सेशन करेंगे, फिर हम लोग स्टूडियो फोटोग्राफी पर सेशन करेंगे। इसलिए स्टूडियो फोटो स्टूडियो में जिन्हें इंटरेस्ट है वो आज शाम को 7 बजे ज्वाइन कीजिए सेशन, और अगर जिसको उस सेशन का जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे पिंग कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा सभी जानकारी। और 7 बजे मिलते हैं आज रात को 7 बजे, बस तब तक आप ख्याल रखिए अपना, सेफ रहिए। और 7 बजे फोटो स्टूडियो का टॉपिक है आज का हमारा, और डिटेल सेशन रहेगा लगभग 2 आवर्स का, कि क्या होता है फोटो स्टूडियो, क्यों चाहिए फोटो स्टूडियो, उससे क्या हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एक्टिविटीज,
बैकग्राउंड्स किस तरीके के चाहिए, लाइट्स किस तरीके की चाहिए, किस किन सब्जेक्ट्स पर काम कर सकते हैं हम लोग फोटो स्टूडियो में, उसको कितना स्पेस चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, जगह कितनी चाहिए, रिसेप्शन एरिया किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, राइट, या फिर आपका मेकअप रूम किस तरीके से होना चाहिए, वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, स्टूडियो के हाइट वाइज क्या बेनिफिट मिलते हैं, अगर स्पेस बहुत कम है तो उसके क्या लॉस होता है, ओके। तो ये सब कुछ जानेंगे आज के फोटो स्टूडियो के सेशन में। अगर हो सको तो मैं यहाँ पर उसका लिंक शेयर करने का प्रयास करता हूँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा रुकिए, जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ उसका शेयर करता हूँ लिंक, ताकि फिर आपको थोड़ा हेल्प हो जाए और उस सेशन ज्वाइन करने के लिए। जस्ट अ मिनट, आप ये इसी चैनल पर देख सकते हैं, एक्चुअली शाम 7 बजे ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। और अगर जिनको जूम मीटिंग में अगर ज्वाइन करना है, तो बेसिकली जूम मीटिंग के लिए मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली सेशन अरेंज किया है फोटोग्राफर्स वेलफेयर एसोसिएशन खामगांव से, जिन्होंने अरेंज किया है। यहाँ पे मैंने उसके डिटेल्स भेजे, अगर आपको वो शाम को डायरेक्ट जूम मीटिंग में अगर आना है तो आप जूम में भी आ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ऐसे ही कनेक्ट रहूंगा, आपके क्वेश्चंस भी वहां पे लूंगा और हम लोग फोटो स्टूडियो को जानेंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच, आप इतने जुड़े रहे और ये जो भी रिस्पांस आपने किया है, बहुत क्वेश्चंस है एक्चुअली आज भी अभी भी, कि सर आपने फाइन आर्ट कौन से सब्जेक्ट में किया। एक्चुअली मैंने इलस्ट्रेशन में फाइन आर्ट्स किया है, मेरा इलस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद सर मिरर मिरर वाला सेशन चाहिए, यस मिरर वाला करने वाले, वो तो मेरा मेरा खुद का सेशन है, वो अरेंज किया हुआ। आपने जो जिन्होंने नंबर शेयर किए ना, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि मेरे नंबर पे आप मुझे पिंग कर दीजिए, ओके। सागर आईहोले जी कह रहे हैं कि मुझे भी ग्रुप में ऐड कीजिए, यस सर आप मुझे पिंग कीजिए सब लोग व्हाट्सएप पे, 9881581515 इस नंबर पे मुझे आप पिंग कीजिए, मैं आपको ऐड करता हूँ और जितना वहाँ पे एक्टिविटी कर सकते उतना करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो 5000 का जो हमारा फैमिली बनेगा, उस दिन कुछ अनाउंसमेंट रहेगी, उसके साथ आगे और एंजॉय करेंगे। तब तक स्टे सेफ स्टे होम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।